गाइज वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल दिवंगन में आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। अभी शाम को लगभग 7 बज चुके हैं, रात भी हो गया है। रात में कैसा दिखता है भिलाई सिटी वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं, फर्स्ट टाइम है जो ऐसा मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आप लोग को भी दिखलाता हूँ कि कैसा दिखता है हमारा भिलाई सिटी। इस वीडियो को आप लोग कंटिन्यू करिएगा, चलिए चलते हैं। गाइज ये है हमारा भिलाई सिटी। आज मैं अपने दोस्त के पास गया हुआ था घूमने के लिए, तो वापसी में मुझे लेट हो गया है, तो मैं सोचा कि चलो आज आप लोग को वीडियो दिखा दूँ हमारा भिलाई सिटी कैसा दिखता है। दिन के टाइम में तो आप लोग देखे ही होंगे, लेकिन रात में हमारा भिलाई सिटी कैसा दिखता है तो देख ही सकते हो, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये आपका सेक्टर 6 वाला रास्ता है जहाँ पर मैं आप लोग को लेके जा रहा हूँ। सामने में ही है सेक्टर 6 का चौक है। ये जो खूबसूरती है ना भिलाई में, बहुत ही बेस्ट लगता है। रात का जो नज़ारा है ना, देखने लायक रहता है। भिलाई तो मैं कई बार आ गया हूँ और आज मौसम थोड़ा थोड़ा ख़राब लग रहा है, पानी गिर सकता है कुछ ही देर में ऐसा लग रहा है। सामने में है आपका सेक्टर 6 का चौक है। हमारा जो भिलाई सिटी है सच में बहुत ही प्यारा है। बाकी जगह का तो मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं ज़्यादा बाहर निकला नहीं हूँ अपने छत्तीसगढ़ से। मैं गया हुआ था विशाखापट्टनम गया था, ये पिछले साल की बात है, लेकिन पिछले साल विशाखापट्टनम में गया था, बहुत ही अच्छा लगा। और इसके पहले गया था टाटा, गया था टाटा भी ऐसा ही है क्योंकि वहाँ पर टाटा स्टील प्लांट है वहाँ पर। तो भाई जैसा हमारा भिलाई है वैसा ही मैनेज करके रखा हुआ एरिया को, अगर आप लोग का जाना होता है तो आप लोग बिल्कुल देखिएगा। ये सेक्टर 5 का चौक है। सेक्टर 5 चौक से मैं आगे निकल गया हूँ। हमारा जो भिलाई स्टील प्लांट भी बहुत ही बड़ा है अगर देखा जाए तो, इसीलिए हमारा जो भिलाई सिटी है बीएसपी प्लांट की वजह से बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ अगर साफ़ सफाई की अगर देखा जाए तो बहुत ही सफाई के मामले में आगे ही है। निगम वाले लोग यहाँ पे डेली सफाई के लिए वर्कर भेजते ही रहते हैं। जब भी मैं यहाँ आता हूँ इस रोड में ना, तो लोग दिखते हैं सफाई के लिए। यहाँ पे 2 दिन 3 दिन या डेली भी होता होगा, जब भी मैं आया हूँ तो भी मैं देखा हूँ ऐसे, अगर सुबह आना होता है तो। कैसा लग रहा है मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा। दूसरे सिटी में जाते हो तो वहाँ कैसा है? अंबिकापुर भी गया हुआ था, हमारा छत्तीसगढ़ का ही एरिया है, वहाँ भी मुझे साफ़ सुथरा लगा, अच्छा लगा सिटी। और वहाँ पे अंबिकापुर में बहुत सारे पिकनिक स्पॉट है, तो मैं पिकनिक स्पॉट देखने के लिए गया हुआ था। सामने में है ये है आपका पावर हाउस का जो नया ओवरब्रिज है, अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ, कब स्टार्ट होने वाला है मुझे अभी तक पता नहीं है। ये है खुर्सी पार का चौक है। वैसे तो मैं खुर्सी पार का वीडियो दिखाने वाला था, लेकिन वहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग है, रेलवे क्रॉसिंग में मतलब फाटक बंद होने की वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया, बहुत ज़्यादा भीड़ था। क्योंकि जनरली होता क्या है कि आसपास के लोग यहाँ पे रहते ही हैं, साथ में भिलाई स्टील प्लांट का गेट भी लगा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है। हमारे जितने भी बीएसपी प्लांट में लगे हुए हैं सब पूरा भिलाई दुर्ग रायपुर आसपास के ही ज़्यादातर देखने को मिलेगा, बाहर के लोग भी आए हुए हैं लेकिन यहाँ पर सब रहते ही हैं आसपास में, किराए में कोई कोई ले लिया है ज़मीन तो घर बना लिया है। मैं पहुंच चुका हूं भिलाई 3 अपने घर के पास में ही है, यहां से आप लोग मार्केट के लिए जा सकते हो। भिलाई 3 का मार्केट का वीडियो भी मैं कभी बनाऊंगा अगर मुझे कभी जाने का मौका मिलेगा तो, और देखते हैं कब बनता है, अभी कोई कंफर्म नहीं है। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं बिल्कुल बहुत जल्द वीडियो बनाने वाला हूँ। मार्केट का वैसे तो मैं बहुत कम जगह का वीडियो बनाया हूँ, पावर हाउस मार्केट का दिखला चुका हूँ एक बार आप लोग को, सेक्टर 6 का जो कपड़ा मार्केट है वो भी दिखलाया हूँ, बस सामने में मेरा घर ही है। तो ये छोटा सा वीडियो है आप लोग को शेयर करना था कि हमारा भिलाई सिटी रात में कैसा दिखता है। आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।